पंठरपुरी चाय, ये एक्चुअली मराठी नाम है एंड मराठी चेन है, ये महाराष्ट्र की चेन है ये। आना और एक बार चाय जरूर पीना यहाँ, अगर आप चाय के शौकीन हो तो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू विवेकाना। मेरा वीडियो चला तो तूने पंखा चला दिया ताकि मेरी आवाज दब जाए है। सो गाइज फिलहाल हो गए ऑफिस के लिए रेडी एकदम एंड अभी वेट कर रहे हैं खाने का क्योंकि लंच मिल जाए। लंच ही है मान लो अपना, ये सुबह सुबह लंच ही करते हैं हमने। लंच मिल जाए उसके बाद में क्या पूरे दिन अपने को कुछ खाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इसीलिए देख रहे हो आप आजकल मतलब मेरे वीडियोस में मैं आपको दिखता हूँ कि दोपहर में कुछ भी नहीं खाते। लक्ष्य को बोल रखा है, एकदम इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भैया घर से निकलो खाना खा के निकलो ताकि बाहर का उठरंग पुटरंग जो भी है कुछ भी खाना नहीं पड़े। बट ठीक है जो भी, बस वीडियो नहीं बन पाता कुछ खाने पीने का, ठीक है थोड़ा हेल्थ के लिए सही रहेगा। फिलहाल बिट्टू मेरा उठ गया है ना, बिट्टू उठ गया ना चुचू, आज बाबू जल्दी उठ गया ऐसा लगता है। तो फिलहाल खाना रेडी है एंड खाने में क्या बनाया स्नेहा? हाथ बढ़ चल रहने दे। ये इसको जो रोशनी आती है सुबह सुबह मस्त है। लौकी टमाटर सब्जी है, हवेजी की सब्जी नहीं है क्या? हवेजी ही नहीं, अच्छा हवेजी लौकी टमाटर सब्जी है साथ में 2 ग्राम फुल के खाना खाते हैं फटाफट निकलते हैं फील्ड के लिए। सो गाइज दिन की शुरुआत फील्ड से अपने की है। सबसे पहले लेंगे बाबू के लिए दवाइयाँ एंड क्योंकि कल मेरे को ले जानी थी, कल फिर मेरे को मिल गया मतलब बुलाना मिल गया नया से कि अब दवाई लेकर के नहीं आए। तो सबसे पहला काम कर रहा हूँ फील्ड पाने के बाद में, काम बाकी बाद में करेंगे, दवाइयाँ लेंगे। तो दवाई लेते हैं फिर पापा से पूछते हैं कहाँ पर है, पापा को देते हैं दवाइयाँ फिर अपने निकलते हैं विजिट्स वगैरह मारते हैं। फोन आ रहा है मेरे पास लक्ष्य का। फिलहाल आए बैंक ऑफ बड़ौदा में, छोटा सा काम था। गर्मी लग रही है, गजब वाली गर्मी लग रही है। मौसम लग रहा नहीं है कि मतलब नवंबर एंड है, दिसंबर आने वाला है ऐसा फील हो रहा नहीं है। फिलहाल चल रही है मीटिंग अपनी ऑफिस में, हमारे रोड है ना आपकी, ये हमारा सेकंड ऑफिस है गोपी में एक दुकान, यहाँ पर होती है चाय के साथ मीटिंग। सो गाइस फिलहाल चल रही है ऑफिस की मीटिंग अगेन, बैठ के काम हम कर रहे हैं एंड हम साथ में पी रहे हैं चाय। हमने दो दो कप चाय पी ली अभी तक, तीनों ने दो दो कप चाय पी ली एंड ट्रस्ट मी यार मतलब अभी तक बीकानेर के अंदर में चाय का जो मतलब स्वाद है ना यहाँ का अल्टीमेट है। एक बार आप ट्राई करना, अच्छी लगे तो फिर आप यहाँ और पी सकते हो आ सकते हो। बाकी फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ मैं पंठरपुरी चाय, ठीक है पंठरपुरी चाय, ये एक्चुअली मराठी नाम है एंड मराठी चेन है ये महाराष्ट्र की चेन है ये। ये आपका है व्यास कॉलोनी में गोल मार्केट है ना उसके पास में ही है। तो आना और एक बार चाय ज़रूर पीना यहाँ, अगर आप चाय के शौकीन हो तो मज़ा आ जाएगा। और अगर किसी ने चाय पी है वीडियो देख रहा है तो मेरे को कमेंट कर बताना आपने चाय पी और आपको चाय कैसी लगी है। फिलहाल ऑफिस का काम से हो गए हैं फ्री एंड थोड़ा सा टहलने चले गए थे। सो गाइस फिलहाल आ गए हैं घर पे एंड आज फिर से जो है लेट हो गई है, 7:30 बज गया करीब। आज मेरे को चढ़ गया फिर से बुखार एंड उसका रीज़न पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को रह कर ये सब चीज़ क्यों हो रही है। और बुखार चढ़ने का रीज़न मेरे को एक अभी लग रहा है कि मेरे को जो दवाई दी गई थी ना मतलब जब मेरे को 3 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी तो उसने बोला कोर्स पूरा कर लेना, मतलब दवाई का ना 3-4 दिन का आपको लेनी पड़ती है। वो मैंने ली नहीं, 2 दिन ली फिर मैंने छोड़ दी, फिर मैंने एक दिन एक गोली ली जबकि मेरे को दिन में 3 गोली लेनी थी,
अभी तक चार पांच गोली पड़ी उसके अंदर में। सो गाइस फिलहाल दूध लेकर के आ गए और दूध आज टपक रहा है, देखो इसके नीचे से, ये देखो ये क्या हो गया, ये देखो दिख रहा है आपको टपकता हुआ, ये टपका दूध टपक रहा है आज, जान को नहीं है टपक रहा है लेकिन टपक रहा है, करो सही इसको करो। तो गाइस फिलहाल आज मेरा फेवरेट खाना बना, फेवरेट ये सिर्फ मैंने मेरे लिए बोला था बनाने के, सबके लिए बना ली थी मैंने कहा था सिर्फ मेरे लिए बनाना है, सबके लिए बना लिया आपने यार, गलत बात है, क्या फर्क रहा मेरे में सब में, मेरे में सब में क्या फर्क रहा फिर, राजा राजा होता है प्रजा प्रजा होती है, राजा प्रजा को नहीं, प्रजा राजा को भूखा नहीं रखती, प्रजा तो कपड़े समेट रही है। कौन सा तू तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा धोएंगे इसको, और एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा पानी डाल दो इसमें एकदम, थोड़ा सा पानी डालने से क्या होगा दूध चिपकता नहीं है कभी भी, ये मैंने ट्रिक बता रखी है स्नेहा को। आज तो जर रहा है पता नहीं क्या हो गया आज, तो फिलहाल जो है मेरा फेवरेट आलू यार, मसालों ज्यादा डाल दूँ, लाल आलू बनाना है, लाल तो मतलब फ्राई लाल करो, फ्राई तो करिए लाल, ज्यादा मिर्चा तो लगा ली है, तो फ्राई सो है लाल, और साथ में बनी है मतलब सब्जी तो बनी है एड ऑन है, बट आज खाना तो मेन खाना तो है चावल, रोटी बना रहे हो, रोटी दाल बस, रोटी बस, रोटी क्यों बना रहे हो तो? आप वास्ते बना रहे हो ना, ठीक है, लाडू रनी क्या कर रही है मेरी, ओड ओड रखी इतनी सर्दी है, बाकी मेरे को तो लग रही है मेरे तो भयंकर हालत हो रही है। बिल्ली रानी हर समय मोबाइल देखता रहता है बिल्ला, ये क्यों रे बिल्ले है, बिल्ले अच्छा मोबाइल क्यों देखता है, और मोबाइल में भी बिल्ले देख रहा है अपने जैसा। सो गाइस फिलहाल वेट कर रहे हैं खाने का, एंड खाना नीचे बैठ के खाते हैं अपने, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्मी हो तो कोई दिक्कत नहीं सीधा फर्श पे बैठ जाते हैं, बट सर्दी होती है तो ये अपनी दरी है फिक्स, ये बिछा लेते हैं, एंड फिलहाल वेट कर रहे हैं खाने का। सो गाइस खाना आ गया है, प्रेजेंटिंग खाना, प्रेजेंटिंग खाना, तारा देवी नहीं है वो, तारा सिस्टर है, सिस्टर तारा है वो। सो गाइस खाने में मस्त दाल चावल, और ये देखिए सलाद, सलाद के ऊपर इसने इतना चाट मसाला डाल दिया, खट्टी सलाद बन गई, तो इतनी छोटी प्लेट है उसको कैसे मिक्स करेंगे बेटा, आप खाने खाने के कैसे ध्यान रखो यार, खाने का क्या बोल, धक्को दर बरकट, अरे ये भी गाइस हर चीज में ये बोलती रहती है मेरे को, धक्को दर बरकट, इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने नहीं सिखाया, मैं तो ऐसे बोलता हूँ धक्को दर बरकट, लक्ष्मी बोलते हैं इसलिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि तने थारे दबर धनी रे स्वभाव रो ध्यान कोनी, मैं तो ही कहूं तू हाल बॉस से स्वभाव रो जाने कोनी की ध्यान, तू थारे बॉस से स्वभाव जाने कोनी, बोल चल तेरे हिसाब कर तो निकल यहां से, मैं हूं बॉस आपकी। सो गाइस खाना, सो गाइस खाना खाते हैं और उसके बाद में फिर क्या करेंगे एडिटिंग, पहले ही घावण लाग जाए, मतलब तू मारो एक पहले, मैं पूरा तो खाना खाऊं फिर बात चालू करया कर, तू पत्नी है हमारी तो पति परमेश्वर होता है, वो खाएगा वो प्रसाद बनता है उसके बाद पत्नी को खाना चाहिए। अरे सो गाइस खाना बना तो हो गया है, आप सोच रहे हो किचन में वापस क्यों आए हो, मैं क्या खाने के लिए हो ना, तो अब जना देखो रात के समय के अंदर में एक चीज मैंडेटरी होगी खानी, और वो है बताऊं क्या, खाना खाएंगे तो थोड़ा ज्यादा रह लेंगे, और खाना खाने के बाद में सिर्फ इतना सा गुड़ खाएंगे, फिलहाल आपको दिखा देता हूँ रूम की दशा क्या है, देखो ठीक है मम्मी मस्त बैठे, देखो लोग कहेंगे बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है ये माँ बैठी बिखरी पड़ी है, ब्लैंकेट यहाँ पर, मोजा यहाँ पर, ये चप्पल पहन के सो रही है देखो, और यहाँ चल रहे गाने टीवी में, गाने चल रहे, मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर रहा था मैं, लेकिन मैंने कहा ये दिखाता हूँ सबसे पहले रूम के अंदर, घर की तो साफ है चमके है, ऊपर ना देख बाजार अपना गाना चलो डांस कर सकते। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो करते हैं पेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय, गुड नाइट, अपना और अपनों का ध्यान रखो।